विटामिन डी, जिसको कैल्सिफेरोल भी कहा जाता है, एक फैट सोलेबल विटामिन है जो कि कुदरती तौर पर बहुत सी अशिया में मौजूद होता है। इसके अलावा अगर जिस्म में इसकी मकदार मुकर्रर मकदार से कम हो तो इसका इस्तेमाल सप्लीमेंट की सूरत में भी किया जा सकता है। विटामिन डी की कमी बहुत से मसाइल का सबब बनती है, जैसा कि पट्ठों की कमजोरी, हड्डियों का कमजोर होना, डिप्रेशन, कुव्वते मुदाफ़त का कमजोर होना। अगर विटामिन डी की मकदार जिसम में ज्यादा अरसे तक कम रहे तो ये मोटापे का सबब बनती है। विटामिन डी का कम होना ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों का कमजोर हो जाना, थकावट और ज़ायबीटिस जैसे मूजी अमराज का सबब बनता है। वो अशिया जिनमें कैल्शियम या विटामिन डी की मकदार वाफर मकदार में मौजूद होती है, इनमें सूरज की रोशनी, ऑयली फिश जैसा कि सैलमन, रेड मीट, अंडे की जर्दी, कॉod liver ऑयल, मशरूम, फोर्टिफाइड फूड्स जैसा कि ऑरेंज जूस, दालें, दलिया शामिल हैं। इन अशिया के इस्तेमाल से जिस्म में विटामिन डी की कमी को पूरा किया जा सकता है। और जिस्म में विटामिन डी की मुनासिब मकदार का मौजूद होना बहुत अहम है, क्योंकि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है, ये जिस्म में इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बेहतर बनाता है, ये लबलबे में इंसुलिन बनने की काबिलियत को बढ़ाता है। अगर जिस्म में विटामिन डी की मुनासिब मकदार मौजूद हो तो इससे शुगर लेवल भी कंट्रोल रहते हैं, ये वजन को कम करता है, भूख लगने के अमल को तेज करता है। जिस्म में अगर विटामिन डी की कमी नेचुरल सोर्सेज से पूरी ना हो रही हो तो आप अपने मालिक से मशवरे के बाद विटामिन डी की सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन विटामिन डी का ज्यादा इस्तेमाल जिस्म में कैल्शियम के मकदार को बढ़ा देता है और हाइपरकैलेमिया का सबब बनता है। ये हड्डियों, गुर्दों और दिल को मुतासर करता है, ये मेदे के मसाइल का सबब बनता है। इसके अलावा मजीद मालूमात के लिए डायबिटीज सेंटर इस्लामाबाद के दिए गए नंबर पर राबता करें।